सो हे गाइस, दिस इज बर सचिन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर के या एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में। राइट, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हमारा सारा यार जो है 3 तारीख को, राइट, 3 या 4 तारीख को ही आप सभी का क्या है, मॉक टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं 4 और 5 को है, राइट। तो आज हो गए 2 तारीख, तो मतलब कि परसों आप सभी का क्या है, मॉक टेस्ट पेपर, और इसकी शेड्यूल आ चुके हैं हमारे DSEonline.in पे वेबसाइट पे। यार इस वीडियो में इसी चीज का डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन में है कि किस प्रकार से हमें मॉक टेस्ट पेपर अटेंड करना है। इस वीडियो के बाद यार आप सभी की गाइडलाइन वाली वीडियो आएगी शाम को 5 बजे, फिर उसके बाद ठीक 7 बजे, उसके 2 घंटे के बाद यार फिर एक वीडियो आ रही होगी, तो मतलब इस दिन आपकी 3 वीडियो आएगी। तो इस चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद, स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे आओगे, देखो इस वाली वेबसाइट पे जो मेन वेबसाइट है इस पे तो कोई इन्फॉर्मेशन एज सच अभी तक आई नहीं है, बट हमारी जो है ये वाली जो एडमिशन पोर्टल है हमारा DSEonline.in, इस पे अपडेट आता रहता है आपका जो यार यहाँ पे अपडेट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे गाइडलाइन आ गई है, गाइडलाइन वाली वीडियो यार शाम को मैं डाल दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत करना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुके हैं आपके मॉक टेस्ट पेपर की, 4-5 तारीख को आपका मॉक टेस्ट पेपर है और मेन एग्जामिनेशन आपका 7-8 तारीख को है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबका मेन एग्जामिनेशन के लिए तो ये वाला आपका इस वाले रूल में CET स्केड्यूल में लिखा गया होगा। ठीक है, ये वाला जो टाइम था ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेन एग्जामिनेशन की नहीं, हम इसमें बात करने वाले हैं हमारे मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन की, जो कि हमारे 4 और 5 तारीख को है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखने को मिल सकता है, यहाँ पे हम अगर देखें तो आप सभी का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स, जैसे कि देखो जैसे आप सभी का एग्जामिनेशन हो रहा है ना, ठीक उसी प्रकार से आपका सेम मॉक टेस्ट पेपर होगा, जिससे कि आपको फुल आइडिया मिल जाएगा कि आपका किस प्रकार से ये वाला एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, फुल आइडिया मिलने वाला है आप सभी को मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू कि आपका एग्जामिनेशन कब कब होने वाला है। अब यार यहाँ पे 4 और 5 तारीख को है, ठीक है, 4 और 5 तारीख को इस हिसाब से यार देखो ये इस साल जो है वो काफी सारे ब्रांचेस का जो है अलग अलग कर रखा है इन्होंने कोर्सेज का, तो इस हिसाब से इन्होंने 4 और 5 तारीख को देखा है। लास्ट टाइम ये 3 दिन था, यहाँ तो ये 2 दिन नहीं है लेकिन 3 दिन था, लेकिन तीनों दिन सभी को अटेंड करना था। ठीक है, जैसे कि 1 हो गया 2 हो गया 3, ये 3 दिन लगातार थे, तो उसको एक बार जिसने 1 दिन अटेंड किया वो 2 दिन भी अटेंड कर सकता है, 3 दिन भी अटेंड करता है कर सकता है, लेकिन इस साल जो है ये इस साल नहीं है, इस साल यह एक ही टाइम का है, आप देखने को मिल सकता है। मैं इस वीडियो में बताने रहा हूँ, देखो यहाँ पे है फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स इन द फार्मेसी, फुल टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम एंड फुल टाइम कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, इन सभी का मॉक टेस्ट पेपर क्या है 4 और 8 तारीख को है, मतलब 4 तारीख को है। एंड यहाँ पे टाइमिंग कितनी है, 9:30 से लेकर 10 बजे तक ही है फॉर द सेक्शन ए और बी। ठीक है, जिस प्रकार से आप देखने को मिल सकता है यहाँ पे अगर ऊपर करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला देखो, ये वाला है ना एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन सेम है, ए बी सेक्शन के लिए आपका 7 तारीख को 9:30 से लेकर 10 बजे तक है, सेम उसी प्रकार से आपका ये वाला एग्जामिनेशन होने वाला है, मतलब मॉक टेस्ट पेपर होने वाला है 4 तारीख को, और यहाँ पे टाइमिंग जो है 9:30 से 10:30 बजे तक है। ठीक है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम फॉर द डिप्लोमा प्रोग्राम यहाँ पे क्या है 4 और 8 तारीख को है, सेम उसी दिन 12:30 से लेकर 12:30 बजे तक, सेम उसी प्रकार से अगर ऊपर की तरफ जाओगे मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन के आप सभी की कितना है, यहाँ पे ये सेक्शन सी के लिए, ठीक है, ये क्या है सेक्शन सी के लिए मेन एग्जामिनेशन में, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी सेम होगा। फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आपका मॉक टेस्ट पेपर जो होगा वो 4 और 8 तारीख होगा और 12:30 से लेकर 12:30 बजे तक होगा सेक्शन आपका सी, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन आने वाले हैं आप सभी के। ठीक है, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसका टाइमिंग जो होगा वो 12:30 से लेकर 12:30 बजे तक होगा। फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी का सेक्शन डी है ये, ठीक है, क्या है ये सेक्शन डी है, तो सेक्शन डी के लिए आपका कितना 30 क्वेश्चन था, तो 30 क्वेश्चन के लिए आपका 30 सेकंड मिलेगा, ठीक है, मतलब 30 मिनट मिलेगा, और इसमें क्या है 2:30 से लेकर 3 बजे तक है, 2:30 से लेकर 3 बजे तक है आप सभी का, तो मतलब कि 30 क्वेश्चन है और 30 मिनट आप सभी को दे रखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यही 4 तारीख को होगा, लेकिन 2:30 से लेकर 3 बजे तक ये होगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2:30 से लेकर 3 बजे तक। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ की बात करें, ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन ई वालों के लिए, ठीक है, ये क्या सेक्शन ई वालों के लिए, और यहाँ पे टाइमिंग कितनी है 4 तारीख को ही है, 5:30 से 5:30 बजे तक, मतलब कि जैसे एग्जामिनेशन होने वाला है आप सभी का, सेम उसी प्रकार से मॉक टेस्ट पेपर दे रखा है इन्होंने, और जैसे कि आपको आइडिया फुल मिल जाए कि आपका एग्जामिनेशन टोटली किस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर अटेंड करने का फायदा ये है, को फायदा बाद में बताऊंगा, पहले ये वाला मैं निपटा देता हूँ कि ये कंप्लीट किस प्रकार से अटेंड करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर लेटर एंट्री की बात करो तो लेटर एंट्री वालों के लिए क्या था, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी सिर्फ और सिर्फ लेटर एंट्री वालों के लिए, ये सभी के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ लेटर एंट्री वालों के लिए। यहाँ पे क्या है 5 और 8 तारीख को है, 5 तारीख को है 8वां महीना है, ठीक है, 5 तारीख को है, और ये कितना टाइमिंग है 10 लेकर 10 तारीख का, मतलब कि सेक्शन ए बी यहाँ पे साफ साफ पता चला, क्योंकि सेक्शन ए और बी लेटर एंट्री वाले के लिए 20-20 क्वेश्चन थे, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन थे, मतलब कि 40 क्वेश्चन थे, और 40 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट मिल रहा है, तो सेम उसी प्रकार से 10 से लेकर 10:40 तक आपको टाइम दे रहा है, मतलब कि 40 मिनट 40 क्वेश्चन, मतलब कि ये लेटर एंट्री वालों के लिए। और बचे क्या था ना, ये बचे CET वाले बच्चे, अब
सीएटी वाले, ये तो सीईटी वाले थे, ये सीईटी वाले थे, अब लेकिन ये है कि सीएटी वाले हैं। सीईटी वालों का एग्जामिनेशन 4 तारीख को नहीं होने वाला, मॉक टेस्ट पेपर नहीं होने वाला, 5 तारीख को होने वाला है सीएटी वालों का, जिसमें इंक्लूड होंगे आर्किटेक्चर, फैशन, अप्लाइड आर्ट्स, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, ये सारी चीजें, और बीए डिजिटल मीडिया फुल टाइम, ठीक है। यूजी कोर्सेज का, ये यूजी कोर्स का एकमात्र कोर्स है जिसमें कि आपका सीएटी एंट्रेंस के थ्रू एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 तारीख को आपका इसका मॉक टेस्ट पेपर है और 2 बजे से लेकर 2:40 तक पेपर है, मतलब कि 40 क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये था कुछ आपका मॉक टेस्ट पेपर का शेड्यूल। जैसे आप सभी का यार पूरा मेन एग्जामिनेशन है ना, जैसे कि मेन एग्जामिनेशन है आप सभी का, सेम उसी प्रकार से आपका मॉक टेस्ट पेपर होने वाला है, तो फुल आइडिया मिल जाएगा आपको किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन जाने वाला है। अब बात करते हैं इसके फायदे की, भैया फायदा क्या आने वाला है। देखो मॉक टेस्ट पेपर का अटेंड करने का आपका जो प्रोन्स है वो है, मतलब कि एडवांटेज है कि सबसे पहले आपको फुल आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, फुल आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अब यहाँ पे प्लस में सेक्शन वाइज आप सभी को पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपका सेक्शन, जैसे सेक्शन ए बी और सी जितने भी कोर्स आपके सेक्शन है, ठीक है, ई एफ जी एच जितने भी आपके सेक्शन है सभी को मिला के, उस पर काफी बच्चों का डाउट था कि भाई आपके इस वाले सेक्शन में, जैसे आपका सेक्शन ए लॉजिकल रीजनिंग वाला है, ठीक है, लॉजिकल एंड रीजनिंग एंड ये वाला पार्ट है आपका सेक्शन ए, तो किस प्रकार से रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे उसका कुछ आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा यार, कल आपके एडगुरु चैनल पे डाल दूंगा एक फुल मॉक टेस्ट पेपर डाल दूंगा मैं पहले ही, ठीक है, आपका जिस हिसाब से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसके हिसाब से हम डाल देंगे पूरा सेक्शन ए बी को सी करके इस प्रकार से, और उसको आप फॉलो कर लेना, उसको आप चेक कर लेना, ट्राई कर लेना कि आप पहले अटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमारा जो चैनल है यार ये सेकंड चैनल, इस पे पूरा ऑलमोस्ट 70-80% हमारा जो है ना, 60% से ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बाकी यार इस वीडियो में आज मैं कोशिश करूंगा और थोड़ा वीडियो डाल दूं, और कल हमारा क्या, कल से हमारा फुल मॉक टेस्ट पेपर रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो उस चैनल पे अगर नहीं अभी तक गए हो तो चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके क्लिक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इस प्रकार से कुछ आपका मॉक टेस्ट पेपर होने वाला है, सेम एज आपका जैसे मेन एग्जामिनेशन होने वाला है, सेम उसी प्रकार से आपका मॉक टेस्ट पेपर होने वाला है। तो मैं कहूंगा कंपलसरी कि ये सभी को अटेंड करना, एंड सेम उसी प्रकार से होगा, उसी वेबसाइट पे होगा, सारा चीज वैसे ही होगा, बस इसका होगा इसका नंबर नहीं लगते, याद रखना इसके नंबर नहीं लगते, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए है, प्रैक्टिस पर्पस के लिए है, और इसके नंबर नहीं लगेंगे, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन, आई होप आपसे को समझ में आएगा होगा, बाकी कोई डाउट हो नीचे कमेंट में मत बोलना। लास्ट को शाम को यार वीडियो आ जाएगी आपके गाइडलाइंस के बारे में, उसको अच्छे तरीके से कर लेना क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तब तक ले जाते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, बाय बाय।